Hello students, I'm your English teacher from at the senior secondary school Khaisergarh. How are you? Hope you all are well at your home. We have discussed in our previous video your first chapter of your book Pathway. Now we are going to discuss your next chapter in this book. The name of the next chapter is Rhyming Ink. Rhyming Ink. इंक का मतलब होता है शाई, राइमिंग का मतलब होता है, राइमिंग का मतलब होता है वो लय या रिदम जो किसी गीत में किसी पोइम में बनती है ना, राइम एक जैसे वर्ड्स बिछाते जाते हैं, राइम बनती जाती है, जैसे लय बनती जाती है गीत की, वो इंक। इस लेसन को फिर स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ गुड मैन कॉल्ड सीमन स्मंग, हिज वाइफ वॉज कॉल्ड सारा एंड दे केप्ट अ शॉप। एक बार एक टाइम में एक अच्छा आदमी था जिसका नाम था सीमन स्मंग, उसकी पत्नी जिसका नाम था सारा एक शॉप किया करते थे। एवरी मॉर्निंग एट 8 o'clock previously Simon unbolted the shop door and took up the shutters. हर सुबह जब 8 बजते थे तो वो डेली की तरह शॉप अपनी खोलता था और शटर को उठाता था। Then he stood behind the counter and weighed out sugar and currants and wrapped up parcel and made out bills and sat. जब वो शॉप खोलता था उसके बाद काउंटर के पीछे जाके खड़ा हो जाता था, शुगर को वेट करता था, उसके बाद शुगर को वेट करके उसको रैप करके उसको पार्सल कर देता था, उसका बिल बना देता था और उसके बाद वो बोलता था व्हाट नेक्स्ट कैन आई गेट फॉर यू मैम। फिर वो अपनी वाइफ से बोलता था कि अब मैं अब आगे आपके लिए क्या कर सकता हूँ। एंड ड्रेडफुल वेदर फॉर द टाइम ऑफ ईयर और टू ऑल द कस्टमर्स। और वो बोलता था कि ये जो समय है साल का सबसे कठिन समय है कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स आने के लिए। एंड एवरी इवनिंग एज द क्लॉक स्ट्रक 7 सिमोन पुट डाउन शटर अगेन एंड फास्टन द डोर। जब हर दिन शाम के 7 बजते थे इवनिंग के, तो वो अपनी शॉप को शटर जो है डाउन कर देता था, शॉप को ऑफ करता था और घर की तरफ जल्दी में निकल पड़ता था। तो वो क्या कहता है, नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय माई सेल्फ ही वुड से रबिंग हिज हैंड विद सेटिस्फेक्शन। जब वो शॉप ऑफ करके चला जाता था तो वो अपने आप से कहता था कि अब मैं सेटिस्फाई हूँ, अपने हाथों को रगड़ते हुए आपस में कहता था कि अब मैं अपने आप को इंजॉय करने वाला हूँ, अब मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। समटाइम ही इंजॉयड हिमसेल्फ बाई रीडिंग द पेपर ऑफ सारा। कभी कभी वो अपने आप को इंजॉय करता था सारा के लिए पेपर्स पढ़कर, न्यूज़पेपर्स पढ़ के। एंड समटाइम ही इंजॉय हिमसेल्फ पॉटिंग अबाउट द बैकयार्ड एंड प्लांटिंग द वाटर बल्ट और शोइंग वर्जीनिया स्टॉक सीड इन द बैकयार्ड। और कभी कभी अपने आप को वो इंजॉय करता था अपने बैकयार्ड यानी कि उसके आंगन में पौधों में खुदाई करके उसमें बीज बोकर, बीज जो वर्जीनिया स्टॉक के जो बीज से उनको बोकर उनकी बुआई करके। एंड समटाइम ही इंजॉय हिमसेल्फ बाय जस्ट फेलिंग अस्लीफ इन हिज चेयर। और कभी कभी वो अपने आप को कैसे इंजॉय करता था, चेयर पर सोते हुए आराम से। एंड देन वन डे ही डिसाइड टू बिकम अ पोइट। और तभी ना एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो पोइट बनेगा। यू वुड बी सरप्राइज एट थॉट दैट कम इन टू माई हेड सारा सैड ही। उसने सिमोन ने कहा कि तुम सरप्राइज हो जाओगी कि मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स आए हैं, आइडिया आए हैं। आई एम गोइंग टू पुट दैम इन टू पोइट्री एंड बिकम फेमस। और वो कहता है कि मैं उनको उन आइडियाज़ को पोइट्री में पुट कर दूंगा और मैं फेमस हो जाऊंगा।
He got a very large sheet of paper and a very large pen and a very large bottle of ink and sat down at the kitchen table. सारा लुक एट हिम प्राउडली. वो एक पेपर गोट करता था. उसने पेपर पेन पेपर उठाया, बड़ा सा पेन उठाया, बड़ी सी इंक की बोतल उठाई और किचन टेबल जहाँ पर वो बैठ के खाना खाता था वहाँ पर बैठ गया. सारा लुक हिम प्राउडली. उस सारा ने उसको प्राउडली देखा, गर्व से देखा. जस्ट फैंसी मी अ पोइट्स वाइफ सी थॉट एंड हेल्ड हर हेड इंटू इंचज हायर देन यूजफुल. उसने सोचा कि मैं एक पोइट की पत्नी हूँ. कहती है कि मुझे एक पोइट की पत्नी की तरह देखो. तभी उसने अपने सर को 2 इंच ऊंचा उठाया जैसे वो करती है. सिमोन बिगिन टू राइट एज फास्ट एज ही कुड. जस्ट लिसन टू दिस एंड टेल मी इफ यू एवर हैड सो फाइन अ बिगनिंग ऑफ अ पोइम, क्राइड ही. सिमोन ने राइट करना स्टार्ट किया जितना भी वो कर सकता था. जस्ट लिसन टू दिस एंड टेल मी इफ यू एवर हर्ड सो फाइन अ बिगनिंग ऑफ अ पोइम. उसने कहा कि तुम सुनो इन लाइनों को और मुझे बताओ कि क्या तुमने इतनी अच्छी पोइम की शुरुआत सुनी है कभी. सम पोइट्स प्रेज द हेरी लॉयन, आई प्रेज द हिपोपोटामस. उसने कहा कि कुछ जो पोइट्स हैं वो हेरी लॉइंस लॉइन की प्रेज करते हैं, बट मैं किसकी प्रेज कर रहा हूँ. हिपोपोटामस होता है दरियाई घोड़ा. उसने कहा मैं दरियाई घोड़े की प्रेज करूँगा अपनी पोइम्स में. एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट, आस्क्ड मिसेस मंग. मिसेस मंग ने पूछा कि अब आगे क्या होगा या आप आगे अब क्या लिखोगे. आई डोंट नो येट, सैड सिमोन. सिमोन ने कहा मुझे नहीं पता अभी. आई हैव नॉट हैड टाइम टू फाइंड द राइम, कि मुझे राइम फाइंड करने का टाइम नहीं मिला. ही सैट एट द टेबल एंड थॉट एंड थॉट एंड थॉट. वो टेबल पर बैठ गया और उसने सोचा सोचा और सोचा. ही बिट द एंड ऑफ हिज पेन टू शेयर इट. उसने पेन की जो एंड थी उसको बिट किया. एंड मेड स्क्रिबल एंड पैटर्न्स ऑल अराउंड द एज ऑफ पेपर. पेपर के किनारों पर उसने एक पैटर्न बनाया, बट इट वॉज ऑफ न्यू यूज. पर उस पैटर्न का कोई यूज़ नहीं था. I don't believe there is a rhyme to hippopotamus in any language under the sun. उसने कहा सन के अंडर में यहाँ पर ऐसी कोई भी लाइन नहीं है हिप्पोपोटामस के लिए जिसकी राइम बनाई जा सके. ही ग्रोन, वो दुखी हुआ. वाई नॉट स्टार्ट विद समथिंग इजियर, जस्ट मिसेस मंग ने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं आसान चीज़ों से शुरुआत करते, कि अपनी पोइम की तुम आसान चीज़ों से शुरुआत करो. सो सिमोन बिगेन अगेन. ही बिगेन अ डोजन पोइम एट लीस्ट, बट ही कुड नॉट फिनिश वन. सिमोन ने क्या किया, एक दर्जन पोइम लिख दी बट किसी को भी फिनिश नहीं कर पाया. इज एनीथिंग रॉन्ग माई डियर, आस्क्ड सारा. रॉन्ग, एक्ड सिमोंग. सिमोंग जो है वो चिल्लाया, कहता रॉन्ग. आई शुड थिंक देयर इज नॉट अ सिंगल राइम टू एनी वर्ड आई हैव यूज. एंड आई कैन नो मोर मेक पोइट्री विदाउट राइम देन यू कैन मेक पैनकेक्स विदाउट एग. आई नेवर बी पोइट एट दिस रेट. वो चिल्लाया जब उससे पोइट्री की कोई राइम नहीं बनी तो वो चिल्लाया, कहता रोंग, क्या रोंग, सब कुछ रोंग ही तो है. मैं कोई भी पोइट्री की राइम नहीं, एक सिंगल वर्ड, देर इज़ नॉट अ सिंगल राइम टू एनी वर्ड. कहता कोई भी एक शब्द भी नहीं है जिसकी राइम बन जाए. जितनी कहता मैंने पोइट्री बनाई है उसमें कोई भी राइम नहीं है. और जो पोइट्री है वो बिना राइम के नहीं बन सकती, जैसे पैनकेक जो है बिना एग के नहीं बन सकता.
आई विल नेवर बी अ पोइट एट दिस रेट, वो कहते मैं इस तरह से तो कभी पोइट नहीं बन पाऊंगा। इट वॉज द सेम एक्सपीरियंस वैन एवर ही सेट डाउन टू राइट हिज वर्स नेवर गोट बियॉन्ड द फर्स्ट टू लाइन एंड ऑल फॉर वॉन्ट ऑफ राइम्स। वो उसका वो ये वही एक्सपीरियंस था जैसा कि उसने स्टार्ट की थी पोइट्री लिखने में, जैसे कि उसकी राइम नहीं बन रही थी, राइम से वो बहुत दूर था, बहुत दूर। ही ग्रू क्वाइट थिन एंड इल टेम्पर्ड विद वरी, वो अपने जब राइम नहीं बन रही थी तो वो टेंशन में आ गया, टेम्पर जो उसका हाई हो गया। ही लॉस्ट हिज एपेटाइट, ही लॉस्ट हिज स्लीप, ही was impatient with the customers and made mistake in their orders and whatever he was and whatever he was doing, as was muttering scrap of poetry of himself and trying to find the word he wanted. जब उससे पोइट्री नहीं बन रही थी तो वो टेंशन में आ गया, उसने अपना धैर्य खो दिया, नींद खो दी, एपेटाइट खो दिया, और तो और वो कस्टमर के साथ भी ऑर्डर में मिस्टेक करने लगा। एंड व्हाटएवर ही वाज डूइंग वाज मटरिंग स्क्रैप ऑफ पोइट्री, वो हर टाइम जो कुछ करता था, जो कुछ था उसमें वो पोइट्री ही गुनगुनाता रहता था हर टाइम। वो ट्राई करता रहता था कि कहीं ना कहीं तो उसे मिल ही जाए राइम, कि ले या रिदम मिल जाए। थिंग्स कैन नॉट गो लाइक दिस, सैड मिसेस मंग, बट सी हैड नॉट द लीस्ट आइडिया हाउ टू स्टॉप देम। मिसेस मंग ने कहा कि इस तरह से तो चीज़ें आगे नहीं जा सकती, सो उसने क्या किया, सब इन सब को वो, बट उसके पास इन सब को स्टॉप करने का कोई भी आइडिया नहीं था। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक करेंगे। Next we will do in our next video. Please read it, this lesson. Okay, thank you.